Hey well. खुश आमदी आज की इस क्लास के अंदर हम एक मुकम्मल सीन सेटअप करने लगे हैं ब्लेंडर में जिसके अंदर हम थ्री डी मॉडल्स को इम्पोर्ट करेंगे आफ्टर फैक्ट से थ्री डी ट्रैक डाटा उसको इम्पोर्ट करेंगे और सारे सीन को जनि की आप कह सकते हैं वर्ल्ड स्केल जो है वो सही तरीके से करेंगे वर्ल्ड ओरियंटेशन सही तरीके से करेंगे तो बहुत कुछ करने लगे हैं इस क्लास के अंदर अगर आप इस वीडियो में या फिर इस चैनल में पहली बार आए है तो आपको बता चले कि ये वीडियो हमारे ब्लेंडर के कोर्स का हिस्सा है अगर आपने इसकी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप काइंडली जाकर उनको शुरू से देखें ताकि आपको हर चीज सही तरीके से समझ आए कोर्स को देखने के लिए आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करके पूरा कोर्स देख सकते हैं तो चलिए बिना वक्त जाए की बिना चलते हैं अपनी क्लास की तरफ तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक ब्लेंडर की फाइल ओपन की हुई है कुछ भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से हमारा ब्लैंक ब्लेंडर फाइल होती है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ की फाइल में जाते हैं और वो जो थ्री ट्रैक ट्रेक डाटा था जिसको हमने आफ्टर फैक्स से एक्सपोर्ट किया था ट्रैकिंग करने के बाद उसको इम्पोर्ट करते हैं आफ्टर थ्री डी ट्रेकिंग करने के बाद डेटा को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं फॉर ब्लेंडर वो हम ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं तो मैं फाइल में जाता हूँ और इसको इम्पोर्ट करता हूँ नीचे लिखा हुआ है आफ्टर फैक्स कंपोजिशन डेटा इसको क्लिक करते हैं और उस फाइल को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री ट्रैक फाइल मौजूद है ये आपको एसेट्स फाइल्स में नहीं मिलेगी क्योंकि ये आपने खुद करके एक्सपोर्ट करनी है ताकि आपको सही तरीके से चीजें समझ आ जाए तो मैं इस फाइल को इम्पोर्ट कर लेता हूँ अब जो ये इम्पोर्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका स्केल काफी बड़ा है अगर मैं सेवन को प्रेस अभी तो आप देख सकते हैं हम वर्ल्ड स्केल में ऊपर से टॉप से देख रहे हैं और ये पूरे कमरा है पूरे कमरे में जिसरा हमने सॉलिड वगैरह क्रिएट की थी और तो यहाँ पर अगर मैं मयर पर क्लिक करूँ और तो यहाँ से मैं इसको मयर करने वाल करूं तो आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी रेंज है आठ मीटर ये बहुत बड़ी चीज है एक मीटर में फुट एटलीस्ट होते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बहुत बड़ी जगह बनती है यानी कि हमारे सीन का जो स्केल है वो भी काफी बड़ा है अगर मैं वन को प्रेस करू तो आप ग्राउंड सर्फिस को देख सकते हैं ये भी ओरिएंटेशन और, इसकी ठीक नहीं है हमें ओरिएंटेशन भी ठीक करनी पड़ेगी कुछ चीजें सीन में एक्स्ट्रा है वो भी करनी पड़ेगी वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी कुछ यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है तो इसमें से हम थोड़ा साफ सुथराई भी करेंगे लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इस वीडियो का जो फ्रेम रेट है उसको मैच करवाना है तो आप यहाँ से आउट में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले है फ्रेम रेट तो आप वीडियो पर क्लिक तो है, है, तो है और फ्रेम रेंज उसको सेट करना है तो इवन की आप यहाँ से जो की फ्रेम है वहां से अंदाजा लगा सकते हैं इसकी जो फ्रेम रेंज है वो कितनी है तो मैं यहाँ से इसको इनक्रीज कर सकता हूँ और ये यहाँ से ऑलमोस्ट तीन सौ बत्तीस फ्रेम की पूरी पूरी

अंडर स्कोर जीरो वन यानी कि हमारा वर्जन वन है मैं भी हम इसके मल्टीपल कॉपीज या इंक्रीमेंट सेव कर सकते हैं तो मैं इसको सेव ब्लेंडर फाइल कर लेता हूँ ओके तो हमारी ये ब्लेंडर फाइल सेव हो चुकी है अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह रहे हैं तो वहाँ पर बिजली जा सकती है और आपकी फाइल लॉस हो सकती है तो इसलिए आपने ब्लेंडर फाइल को लाजमी सेव करके रखना है इसके बाद हम क्या करते हैं सेवन को प्रेस करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर एक एम टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जैसे शिफ्ट है एम टी और यहाँ से मैं क्यूब क्रिएट करता हूँ अभी आपको बेशक वो क्यूब नजर भी नहीं आ रहा होगा अभी मैंने डॉट को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा क्यूब है इसको बड़ा करते हैं इतना बड़ा करते हैं कि आपका पूरा सीन जो है इसके अंदर आ जाए अभी तो आप देख सकते हैं आपको क्लिपिंग होती हुई नजर आ रही है तो की के ऊपर एन को प्रेस करेंगे और यहाँ से व्यू में जाएंगे और एन जो क्लिपिंग है इसको आप कर लें फाइव थाउजेंड तो ये आपको नजर आना शुरू कर देगी और इसके बाद आपने सॉरी एन को प्रेस करना है तो पर आप देख सकते हैं मैं सेवन को प्रेस करता हूँ इसको मजीद स्केल करते हैं जैसा कि मैंने कहा कि आपके पूरे के पूरे सीन को कवर कर लेकर ले आता हूँ हमने देख लिया इसके बाद हमने इस एम को रीनेम करके नाम दे देना है सीन डेटा इसको डी सिलेक्ट करना है इस कलेक्शन के अंदर मैं इस कलेक्शन को रीनेम करके नाम दे देता हूँ मैंने इस सीन के सिवाय सीन डेटा के जो नल है या आप कह सकते हैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट है इसको छोड़ के बाकी सबको पहले सेलेक्ट कर लेना है तो मैं कंट्रोल सेलेक्ट करके इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ सिवाय एम को और एम को सबसे आखिर में सेलेक्ट करना है क्योंकि ये हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट होगा तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आप keyboard की बोर्ड के ऊपर कंट्रोल पी और याद रहे कि आपका जो कर्सर है वो थ्री डी व्यू पोर्ड पे होना चाहिए तो कंट्रोल पी को प्रेस करता हूँ और इसको हम कर लेते हैं ऑब्जेक्ट तो अभी आप देख सकते हैं कि आपको कुछ लाइने वगैरह नजर आ रही होंगी और यहाँ पर वो सारा डेटा इस नल के अंदर चला गया है तो इसका फायदा ये है कि आप सिर्फ़ इस एम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे और पूरा वर्ल्ड स्केल जो है वो बहुत डिस्टर्ब होगा इस तरीके से तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका स्केल जो है वो डाउन करते हैं तो मैं यहाँ से अगर मेजर टूर को लेकर आता हूँ अगर वीडियो को आप देखें तो वीडियो के मुताबिक ये जगह जो है ऑलमोस्ट बीस से तीस होट तो वैसी उकर लगाए तो इतनी बनती होगी बीस से तीस फुट और बीस से तीस फुट को अगर मीटर्स में तो सात से आठ मीटर जो है वो इतनी लेंथ बनती है सात से आठ मीटर तो से आठ मीटर तो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी जगह बनती है के यानी कि हमने इसको बहुत ज्यादा स्केल डाउन करना है तो एस को प्रेस करते हैं इसको स्केल डाउन करते हैं और इसको मूव करवा के हम सेंटर की तरफ लेके जाते हैं और यहाँ से डॉट को प्रेस करते हैं अब हम यहाँ पर इसकी लेंथ देखते हैं कि कितनी है एटी थ्री मीटर है और इसको हमने लेके जाना है तकरीबन इतना छोटा करना है तो फिर से हम इसका स्केल जो है वो छोटा करते हैं और मयर टूल से देखते हैं तो हम इसको ऑलमोस्ट इतना कर लेते हैं अब इसकी इसको मेजर करते हैं सिक्स पॉइंट एट मीटर थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं और आई थिंक ठीक है इतना ठीक है तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास फुल स्केल जो था उसका कितना बड़ा था और उसको हमने छोटा करके ओरिजिनल स्केल के मुताबिक कर लिया अब इसका फ़ायदा ये है साथ तो पर आप चाहते हैं कि भाई चलें हमने इसको कर लिया लेकिन जब आप सीन्स की फाइल्स को देखेंगे वो वैसी की वैसी होंगी लेकिन फ़र्क जब तब आएगा जब आप सीन को रेंडर करेंगे अब आप ख़ुद सोचें अगर आप कंप्यूटर होते और आपकी सारी फ़ाइल इतने बड़ी स्पेस में फैली हुई होती हैं और आप लाइटिंग करते वो लाइटिंग कैलकुलेशन होती इतनी बड़ी स्पेस में तो वो ज्यादा टाइम है एज टू इतने से रीजन में तो सीन स्केल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है मूवमेंट भी बहुत ज्यादा मदद करता है और जाहिर सी बात है आप उसकी मेजरमेंट चेंज कर रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट आपकी वीडियो के हिसाब से होनी चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ओरिएंटेशन ऑफ है तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाता हूँ सीन डेटा को सिलेक्ट करते हैं और इसकी ओरिएंटेशन मैच करवाते हैं तो आपने शिफ्ट को प्रेस किए रखना और यहाँ से जो वैल्यूज हैं ताकि हम बहुत ही कम लेवल पे इन वैल्यूज को चेंज कर तो X में इसको करवाते हैं और तब तक रोटेट रोटेट तो करवा के इसकी करता हूँ यहाँ पर बिल्कुल वो गायब हो चुकी है को प्रेस करते हैं, तो साइड व्यू यानी राइट व्यू से देख रहे हैं यहाँ से हम जो एक्सिस की वैल्यू है उसको रोटेट करवाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो एक लाइन हो चुकी है ऐसे हो गया अब इसके सीन की ओरिएंटेशन जो है वो तकरीबन ठीक हो गई यहाँ से हम अगर इसको लेके जाएं और इसको y एक्स की जो वैल्यू है उसके साथ जीरो कर लेते हैं यहाँ पर एक और काम क्या करते हैं इसको आप यहाँ पर जाएंगे रेंडम कर लेंगे यहाँ से आपने कैविटी को सिलेक्ट कर लेना है तो यहाँ से फिर इधर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वायर फ्रेम को ऑन कर लेना है अभी चूंकि ये जो हमारी प्लान है इसमें बहुत कम डेटा है फेस के हिसाब से या पॉइंट के हिसाब से तो टैब को प्रेस करते हैं राइट क्लिक और इसको सब डिवाइड कर लेते हैं अगेन राइट क्लिक सब डिवाइड ताकि हमारे पास एक ग्रिड जो है आ जाए आप देख सकते हैं हमारे पास एक ग्रिड आ चुका है ग्रिड आपके पास तब तक नहीं आएगा जब तक आप यहाँ से वायर फ्रेम मोड ऑन नहीं करेंगे आप इसके ऊपर जो है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर इस सीन को सोलिड को नहीं बल्कि सीन को अगर ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं तो नीचे आपको एक दूसरा ग्रेड भी नजर आ रहा है जो वर्ल्ड ग्रेड कह सकते हैं आप उसके हिसाब से इसकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए अभी आप जैसे अचानक से वो शो होता है और अचानक से शो नहीं होता है इसका मतलब है कि ओरिएंटेशन काफी हद तक ठीक है बहुत हद हाँ तक ठीक है अभी हमारी ओरिएंटेशन जो है वो ऑलमोस्ट ठीक है इसको मैं इसके बाद फाइल को आपने सेव कर लेना है इसके बाद जो वाई एक्सिस में जो रोटेशन आ, लोकेशन है इसको आप कर लेते हैं जीरो Z में नहीं करना ठीक है Z में क्या होगा कि जो वो जो हम उसको ऊपर लेकर आए हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे स्केल रोटेशन और लोकेशन ये सारी चीजें ने इसको क्या करना है सीन डाटा को सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट में जाएंगे अप्लाई और यहाँ से ऑल ट्रांसफॉर्म जो है इसको कर लेना तो सारा जीरो जीरो और वन हो जाएगा अब आपका जो वर्ल्ड स्केल है वो सही हो चुका है ओरिएंटेशन भी सही हो चुकी है तो यहाँ पर आपका सीन सेटअप जो है सीन में जो चीजें थी वो आपने सही कर ली अब अगर हम

है यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा के ऊपर यहाँ पर सिर्फ एक ही फ्रेम बनी हुई है की फ्रेम बेशक मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ या फिर ये कि आप थ्री डी कैमरा पर जाएंगे तो यहां पर आपको सारी कई मिलेंगी आप कैमरा में जाएंगे यहां से आपको कैमरा के ऑप्शन और यहां से हम करते हैं बैकग्राउंड इमेज ऑन और यहाँ से एड इमेज करते हैं और मूवी क्लिप को आपने इम्पोर्ट कर लेना तो यहाँ ओपन करता हूँ और आप देख रहे हैं कि हम ऊपर जाते हैं यहां से हम वीडियो में जाते हैं और इस वीडियो को आपने कर लेना ओपन तो आप देख सकते हैं आपकी वीडियो आपको बैकग्राउंड में नजर आ रही है और अच्छे तरीके से ट्रैक्ट भी हो चुकी है क्योंकि हमने डी की हुई है। और यहाँ से नजर आने अगर आपने कोई चीज के अंदर एड करनी है तो आप अपनी जो है इम्पोर्ट करते हैं तो आप उसको फ्रंट भी रख सकते हैं फ्रंट जो है आपको हमेशा टॉप पे शो होगी अब आप इसकी जो है उसको भी कम कर सकते हैं ताकि आपको चीजें कुछ ऐसे नजर आए ठीक है तो आपको वीडियो भी नजर आ रही है और आपको जो सॉलिड्स

इम्पोर्ट किस तरीके से की जाती है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं तो मैं फाइल में जाता हूँ करते हैं और यहाँ से इस क्यूब को यानी कि जो टेबल था उसको इम्पोर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास टेबल आ चुका है जो कि स्केल में काफी बड़ा है इसका स्केल डाउन करते हैं तो अगर मैं जीरो को दोबारा प्रेस करूँ तो हम कैमरा व्यू से बाहर निकल जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका स्केल काफी बड़ा है तो उसको स्केल डाउन करते हैं और चूंकि हमने आर वर्ल्ड को ओरियंट किया हुआ है तो हम इसको कहीं भी मूव करके लेके जा सकते हैं तो ये 100% परसेंट हैं जगह के ऊपर होगा यानी अगर आपने की उसे होना चाहिए था तो हम इसकी पोजिशन वाई एक्सिस में मूव करवा सकते हैं इसको एक्स एक्सिस में मूव करवा सकते हैं और यहाँ से इसका स्केल जो है आप यहाँ से इन तीनों को शिफ्ट को जो आपके पास जो तीन वैल्यू होती है फॉर एग्जाम्पल आप इसके स्केल को यूनिफॉर्मली स्केल करना चाहते हैं और यहाँ से स्केल करना चाहते हैं एक एक वैल्यू को पोर्ट करने के आप क्या करते हैं कि पहले को सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट सेलेक्ट किए हुए नीचे की तरफ तीनों को सेलेक्ट करेंगे और आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं तो मैं इसको स्केल देता हूँ यहाँ से तीनों को सेलेक्ट किया और इसकी वैल्यू जो मैं लिख सकता हूँ जीरो पॉइंट टू सेवन इतना स्केल मुझे इसका चाहिए अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल जो है हमारे सीन का हिस्सा हो चुका है इसकी ओरिएंटेशन जो है वो भी आप मैच करवा सकते हैं मैं यहाँ से जेड एक्स में इसकी जो है वो ऐसे ही रख लेता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर टेबल आ गया और अगर हम वीडियो को प्ले करते हैं क्योंकि आप स्पेस बार से प्ले कर सकते हैं या पे बटन से प्रेस कर सकते सकते हैं हैं तो अभी आप देख सकते हैं, वो जो टेबल है एग्जैक्टली पर मौजूद है पे उसे होना चाहिए मतलब स्पेस के अंदर वो किसी किस्म की फ्लोटिंग नहीं कर रहा अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जो आपका कैमरा टर्न हो रहा है तो ये जो टेबल है वो स्ट्रेच होता जा रहा है यह समझ कैमरा स्ट्रेच नहीं हो रहा ये आपके जो लेंस की डिस्टोरिजन थी जो कि आफ्टर

मॉडल्स में जाते हैं और यहाँ पर एंटीक जो सामिक वेसल है इसको हम इम्पोर्ट करते हैं अपेंड करते हैं और मैश में जाते हैं और इस सिलेंडर को आपने अपेंड कर लेना है यहाँ पर अब आप देख सकते हैं क्यूब है एक सिलेंडर है जो कि ऐसे नाम नहीं होने चाहिए ये जो क्यूब है ये हमारा टेबल है तो डबल के करके इसका नाम देते हैं टेबल और ये सिलेंडर जो है इसको मैं नाम देता हूँ एफ और इसको नाम देते हैं पॉट तो हमारे पास एक पॉट यानी कि बर्तन टाइप अब मुझे पता है उसे क्या कहते हैं और जीरो को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है इसको हम ड्रे करके टेबल के ऊपर रख लेते हैं और यहाँ से डॉट को प्रेस करेंगे तो एक्जेक्टली exactly वहां पर आ चुका है कैमरा हमारा और इसकी ओरिएंटेशन जो है जेड एक्सेस में इसकी इसके साथ मैच करवाते हैं ऐसे ताकि वो एग्जेक्टली exactly टेबल के ऊपर हो तो अभी आप देख सकते हैं एग्जेक्टली exactly तकरीबन तकरीबन वो टेबल के ऊपर मौजूद है अब इसका बेशक चाहे तो आप स्केल बड़ा कर सकते हैं क्योंकि इसका जो गिजमो है वो बिल्कुल नीचे मौजूद है तो इसका स्केल जो है बड़े अच्छे तरीके से मैच करेगा जीरो को प्रेस करते हैं और अभी आप देख सकते हैं कि वो जो मर्तबान था वो भी हमारा यहाँ

मैश को इम्पोर्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंगिंग पिक्चर जो है इसको आपने कर लेना है इम्पोर्ट और यहाँ से हम मैश में जाएंगे दो प्लेन है तो सबसे पहले प्लेन वन को इम्पोर्ट करते हैं अब आप देख सकते हैं प्लेन वन आ चुका है और इसकी कुछ भी प्रॉपर्टीज चेंज करने से पहले फिर से फाइल अपेंड में जाते हैं और प्लेन टू को भी अपेंड कर लेना है ये दोनों प्लेन आ गए मैं यहाँ से जीरो को प्रेस करता हूँ कैमरा व्यू से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पर आपका थ्री कर्सर होगा वहां पर ये फ्रेम बिल्कुल आ जाएंगी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी फ्रेम आ चुकी है शिफ्ट ए को प्रेस करते हैं एम में जाते हैं और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक स्पेयर को तो आप देख सकते हैं स्वेयर इस क्रिएट हो चुका है। इसका स्केल थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और स्केल को नाम देते हैं फ्रेम का यहाँ पर आपने क्या करना है को किया और शिफ्ट क्लिक इस को किया और वो फ्रेम के अंदर आ चुकी है इसके बाद आपने क्या करना है इसको बेशक आप मूव करवा के वहां पर ले जाए जहां पे ये दीवार मौजूद है तो मैं इसको साइड की तरफ मूव करवा के वहां ले जाता हूँ अभी आप देख सकते हैं तकरीबन तो तो वहाँ पे पहुंच चुका है डॉट को प्रेस करते हैं हमारी ओरिएंटेशन जो पोर्ट की, वो वहाँ पे चली गई है पे फ्रेम है। अब क्या करते और यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन मैच करवाते हैं वेल ओरिएंटेशन तो ठीक हो चुकी है अब इसकी पोजिशन को थोड़ा सा वो जो हमारी सॉलिड थी आप कह सकते हैं प्लेन था उससे थोड़ा सा उसके अंदर घुसा हुआ है हम इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं ऐसे जीरो को प्रेस करते हैं तो भी आप देख सकते हैं कि वो फ्रेम वहां पे आ चुकी है फ्रेम का बेचक आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से हम एक दफा फिर से सीन में जाते हैं कैमरा पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको फ्रंट पे लेकर आते हैं और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा लो कर लेते हैं ताकि यहाँ पर अगर वीडियो में देखें तो हमें पता चले कि हमारी फ्रेम कहाँ मौजूद है फ्रेम को हा बकायदा अगर हम देखें उसका सामने फानूस नहीं आ रहा तो ठीक है उसकी पोजीशन भी ठीक हो गई सारी चीजें ऑलमोस्ट ठीक है इसके बाद हम बेशा के इसको बेक कर लेते हैं अब हमारे पास जो सीन के अंदर मटेरियल थे या ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे आ चुके हैं इवन उनकी अगर आप यहाँ से मटेरियल देखना चाहते हैं तो मटेरियल भी साथ में आ चुके हैं यहाँ पर एक और थ्री डी मॉडल्स को इम्पोर्ट करते हैं जो कि हम इस फ्रेम के ऊपर लगा सकते हैं अगर मैं इसकी ओपेसिटी को फ्रंट पे लेकर आऊँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सफेद दीवार है यानी कि हम इधर भी एक फ्रेम लगा सकते हैं फाइल में जाएंगे इम्पोर्ट में जाएंगे और यहाँ से एफ पे क्लिक करेंगे और उस फाइल को इम्पोर्ट करके लेकर आएंगे जो हमारे पास थी सोर्स में एफ बी इंपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं तो मेशेस में जाते हैं तो यहाँ पर आप दोनों एक फ्रेम जो है वो नजर आ रही होगी डॉट को प्रेस करते हैं फ्रेम हम, के ऊपर आ गए है इसको थोड़ा सा की तरफ आते हैं। हमारी एक और फ्रेम भी आ चुकी है लेकिन इसके टेक्सचर जो है वो अगर मैं यहाँ से मेटीरियल प्रव्यू करूँ तो आप देखते गुलाबी रंग की यानी पिंक कलर की है मतलब इसके टेक्सर इंपोर्ट नहीं है तो हम उनको हेडिंग में जाएंगे और यहाँ से आप उनको बकायदा मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से इन सारे चीज़ों को डिलीट कर लेता हूँ और बाकी जितने भी इसके टेक्चर्स हैं उनको इम्पोर्ट करता हूँ अब आप लेआउट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वो जो गुलाबी रंग थे वो खत्म हो चुके हैं मतलब ये है कि अब हमारा थ्री डी सीन में है उसमें मटीरियल सही तरीके से आ चुके हैं पर टू सेकेंड्स में इनको कार्ड्स जो थे इनको मैं यहाँ से करके एच प्रेस करूंगा तो वो हाइड हो जाएंगी सिर्फ जो हमारी लेयर्स है उनको मैं हाइड कर रहा हूँ ताकि हमें इस तरीके से नजर आए और हम यहाँ से सीन में जाते हैं सीन डेटा में जाते हैं कैमरा में जाते हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके थ्री मॉडल्स एड हो चुके हैं आपके सीन के अंदर अब आपने लाइटिंग करनी है और रेंडरिंग करनी है इतना सा काम रह गया है इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट करके आफ्टर में लाएंगे और बिल्कुल जिस टू डी इमेजेस को कंपोजिट करते हैं वैसे ही कंपोजिट करेंगे तो आप देख सकते बड़ी आसान काम है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है चीजों को क्रिएट करना तो उम्मीद है आपने इस क्लास के अंदर कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर आपको ये क्लास इंफॉर्मेटिव लगी है पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो क्या इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको उनके साथ भी लाजमी आपने शेयर करना है और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं और आपको लगता है कि यार ये चैनल बहुत अच्छा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है मिलते हैं अगली क्लास में भी